नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अगस्त महीने की 9 तारीख है और दिन है शुक्रवार। आज सरसों का बाजार थोड़ा सा हौसले के अंदर है और थोड़ा बाजार सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। भरतपुर मंडी का भाव जो कल 5700 रुपये खुला था यानी स्टेबल था, आज 50 रुपये तेज होकर के 5750 रुपये का भाव निकल कर आया है। और जो जयपुर मंडी का भाव है वो 6100 रुपये पर स्टेबल है और जो आवक है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। कल आवक थी 3 लाख बोरी की, आज आवक है 2,75,000 बोरी की। जो प्लांट है लगभग प्लांटों के अंदर स्टेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन जो सलोनी प्लांट है उसके अंदर कल की तरह, कल 50 रुपये एकदम गिरावट आई थी सुबह और आज 25 रुपये कमजोरी के साथ खुला है। कोटा का भाव खुला है 6375 रुपये और लगता यह है कि ये भाव भी शाम तक रिकवर हो जाना चाहिए, क्योंकि KLC में भी और शिकागो के अंदर भी थोड़ा थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। हालांकि यहां भी बड़ी तेजी टिकने के आसार नहीं है, लेकिन चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर बाजार तेजी से बढ़ा है। चरखी दादरी का भाव 50 रुपये बढ़ा है, भाव हो गया है 6000 रुपये और दिल्ली का भाव 25 रुपये बढ़ के 6025 रुपये हो गया है। सरसों का तेल भी 3 से 4 रुपये तक प्रति 10 किलो की वृद्धि देखी गई है। शाम तक देखते हैं और कितना परिवर्तन होता है, क्या चेंज आता है बाजार में। शाम के 5 बजे के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।